आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, बहादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए जानेंगे 18 मार्च की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अरब रवा माह जदीद बसाए जाने वाले शहर नियोम में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की तामीर का काम करेगा शुरू। इस नए शहर में तोनाई और पानी के मंसूबे सरबराह के मुताबिक 2026 तक नियोम में $5 अरब की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की तामीर का जल्द होगा आगाज। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फैसो में टेरा मगरीबी नाइजीरिया आने वाली बस पर दहशतगर्दाना हमला, 2 पुलिस अहलकारों समेत कम से कम 19 अफराद हो गए हलाक। नाइजीरिया के सिक्योरिटी जराए ने दी इत्तला, मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने बस को रोककर उसमें सवार मुसाफिरों पर फायरिंग कर गाड़ी को कर दिया नजर आतिश। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाइयों के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया की रूस पर नई पाबंदियां आयत। ऑस्ट्रेलिया ने मजीद 11 रूसी बैंकों और कई सरकारी इदारों पर लगाया बैन। ऑस्ट्रेलिया की वजारत खारजा ने दी इत्तला, आज की फहरिस्त में रूस का नेशनल वेल्थ फंड और रूसी वजारत खजाना भी शामिल। यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी, यूक्रेन की अदाकारा ओक्साना श्विट्स कैफ में एक रिहायश इमारत पर रूसी रॉकेट हमले में हो गई हलाक। फनकारों के ग्रुप ने की मौत की तस्दीक। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने कहा, खसूसी ऑपरेशन सिर्फ यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा निशाना। रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान अमेरिकी इंटेलिजेंस ने रूसी फौज के जानी नुकसान की तफसीलात की जारी। बताया यूक्रेन में सिर्फ 20 दिनों में 7000 से ज्यादा रूसी फौजी मारे गए। यूक्रेन, नाटो और रूसी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज ने लड़ाई में कम से कम 3 सीनियर जनरलों को भी खो दिया। जंगजदा यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने मरकजी हुकूमत ने ऑपरेशन गंगा मुहिम की थी शुरू। अब तक 22,500 से ज्यादा भारतीय शहरियों को यूक्रेन से निकाला जा चुका। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अब भी तकरीबन 20 लोग वहां से निकलना चाहते हैं और बाकी नहीं जाना चाहते। जापान के वजीर आजम हफ्ते को पीएम मोदी के साथ छोटी कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का करेंगे दौरा। इस दौरान फरीकें मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर करेंगे बात। पीएम मोदी की दावत पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान होगी ये पहली मुलाकात। पंजाब के सीएम बनते ही भगवंत सिंह मान ने शुरू किया अवामी काम, एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी, जो मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह की बरसी पर होगा शुरू। सीएम ने कहा, अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दे, हेल्पलाइन मेरा जाती व्हाट्सएप नंबर होगा। शबे बारात के मौके पर आज शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स बशमूल PVNR मार्ग को 10 बजे शब के बाद कर दिया जाएगा बंद। हैदराबाद ट्रैफिक जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा, किसी भी तरह के नाकहाने वाकयात और मुसाफिरीन की कीमती जिंदगियों को बचाने किया गया ये फैसला, ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करने आवाम से की गई ख्वाहिश। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में गुज़िश्ता रात एक बेकाबू कार की खातून को टक्कर लगते ही खातून के गोद में मौजूद 2.5 माह का बच्चा मौके पर ही हलाक, जबकि खातून जख्मी। हादसे के फौरी बाद कार ड्राइवर फरार। टक्कर देने वाली कार पर लगा हुआ था बोधन MLA का स्टिकर, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। ये थी BBN टॉप 10 न्यूज़ में 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।